नाम लिख दीजिए। मेरा नाम अलीशा है, मैं डूंगरपुर मैं राजस्थान में डूंगरपुर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हूँ। चित्रकूट मेरा फर्स्ट विजिट है, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विजिट किए हैं और मोस्टली मेरा इंट्रैक्शन वुमेन ग्रुप्स के साथ होता है। यहाँ पे के भी जो वुमेन ग्रुप्स है उसमें मैंने काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा। वो लोग खुल के आके बात कर रही थी, उनके दिल में जो भी था वो लोग बता रही थी। जो एक्सरसाइज हम उनके साथ पीआरए मेथड के साथ कर रहे थे उसमें भी वो लोग काफ़ी पार्टिसिपेटिव थे, और कैचअप जो हम उनको सिखा रहे थे उनको कैच करने का जो उनको पावर है वो भी काफ़ी अच्छा था। तो और दूसरा जो उनको सिखाया गया है हेल्थ रिलेटेड या ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको काफ़ी अच्छे से वो लोग कर रही हैं, क्योंकि बेसिकली फार्मिंग में भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो वुमेन करती हैं, महिला करती हैं। तो जो उनको ट्रेनिंग में मिला है, मैं उनको प्रैक्टिकली जब इंट्रैक्शन के बाद काफ़ी सारी जगहों पे उन लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार किया वो, और जो फर्टिलाइज़र तैयार किया कैसे किया वो सब खुल के बता रही थी। सो वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है वुमन एम्पावरमेंट का, कि वो लोग आगे आके बोल रही हैं, जो कि टिपिकली विलेज कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो काफ़ी हटके है। मतलब इट्स एक वुमेन को जब बाउंड्री से बाहर आके खुल के बात करना, इट्स टेक लॉट्स ऑफ गट्स। सो दैट इज़ व्हाट माय ऑब्जर्वेशन, एंड डेफिनेटली वो लोग बहुत आगे जाके बहुत अपने फैमिलीज को डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज को लेके अपने बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा वो लोग कर सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट माय ऑब्जर्वेशन। थैंक यू।